करु सुमिरन राधे रानी के चरण। मन करु सुमिरन राधे रानी के चरण। मन करु सुमिरन राधे रानी के चरण। मन करु सुमिरन राधे रानी के चरण। राधे रानी के चरण राधे रानी के चरण। राधे रानी के चरण। एक तत्ववेत्ता अपने मन से कहता है, अरे मन, राधा रानी के चरणार बिंदों का स्मरण कर। बोलना ये रसना का काम है, सुनना ये कान का काम है, देखना आंख का काम है, सूंघना नासिका का काम है, स्पर्श करना इस त्वचा का काम है, और स्मरण करना ये मन का काम है। लेकिन ये मन से श्रवण करने की बात करता है, मन से कहता है, कान से नहीं कहता। अगर कोई आंख से कहे ध्यान से हमारी बात सुनो, भला आंख कहां सुनेगी। तो मन को स्मरण करने के लिए कहना, वो सुनेगा कैसे। उसका तो काम केवल स्मरण करना है, सुनना देखना आदि नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना प्राइवेट काम है, दूसरी इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती। कितने बड़ा यंत्र बनवा लो, आंख से सुनाई नहीं देगा, नासिका से सुनाई नहीं देगा। मोटी अकल में ऐसा ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। मन ऐसी इंद्रिय है जो सब इंद्रियों का काम करता है। सब इंद्रियां मन के अंतर्निहित हैं। आप लोग सपना देखते हैं, वो इंद्रियां तो आपके बिस्तर पर रहती हैं। किसी इंद्रिय का कोई काम तो उस समय होता नहीं, सब होता है। आप ऐसे ही देखते हैं जैसे इन आंखों के जागृत अवस्था में देखते हैं, ऐसे ही सुनते हैं, ऐसे ही रसगुल्ला खाते हैं, ऐसे ही सुख मिलता है, ऐसे ही दुख मिलता है, ऐसे ही डरते हैं जिस तरह जागृत अवस्था में। क्या कोई स्वप्न की अवस्था में ये जानता है कि मैं सपना देख रहा हूं? वो समझ रहा है मैं साक्षात देख रहा हूं, जाग रहा हूं। हमारी इंद्रियां तो सब बेहोश पड़ी हैं, घर में चोरी हो रही है, हमको पता ही नहीं चला, और हम देख रहे थे, सुन रहे थे, सूंघ रहे थे। तो ये कैसे होता है?